Despite a change of government in Pakistan and a new prime minister, Pakistan continues to be in tumult. I'm Barkhadat, you're with the Mojo Story. On the program today, we'll be talking to a veteran journalist, Hamid Mir, to understand what exactly is going on in Pakistan as Imran Khan continues to push his country to the brink. Even now, Imran Khan is threatening to take to the streets to protest what he insists is the American interference in his ouster, something that has been repeatedly denied. From an Indian perspective, it is the return of the Sharifs. What might that mean for India and Pakistan, if anything at all? And where is the Pakistan military in all of this? To take us through what's happening in Pakistan is a veteran of the media, somebody who has often been threatened to his safety and security, has always spoken out for free speech, my old friend Hamid Mir. And we are going to try and understand from him ki bhai Pakistan mein ho kya raha hai aur kya hone ja raha hai. Great to see you, Hamid Saab, and I hope aap khairiyat se hain. ठीक ठाक है, लवली टू सी यू. आपसे पूछूंगी सबसे पहले, व्हाट इज हैपनिंग? इज देयर अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी? जब से आपके पास एक नए, मतलब अब नए प्रधानमंत्री हैं, नई सरकार है, इन अ वे इट्स अ नेशनल गवर्नमेंट, उसमें पीएमएलएन भी है, पीपीपी भी है, बट इमरान खान कंटिन्यूज टू बी अ बिग प्रोटेस्टर एंड इट सीम्स ही इज मैनेजिंग टू गेट द सपोर्ट ऑफ एट लीस्ट अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल. इज देयर एनी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी राइट नाउ इन पाकिस्तान? की अभी नहीं. Thank you very much, Barkhadat ji. It's very nice to be with you on your show. First of all, there is no doubt that Imran Khan is addressing big rallies since last 2 months when he was thrown out of the government. But on the other hand, you can also see that PMLN leader Maryam Nawaz Sharif and JUIF leader Maulana Fazlur Rahman, they are also addressing big rallies. So हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया है, तो इसके बाद अब एक इलेक्शन कंपेन शुरू हो गया है और शायद ये जो नई गवर्नमेंट आई थी ये भी इंटरेस्टेड नहीं थी कंटिन्यू करने में, एंड वो भी इलेक्शन कंपेन उन्होंने शुरू कर दी थी. बट ऑल ऑफ द सडन इमरान खान अनाउंस्ड अ बिग प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद ऑन 25th ऑफ मई, जो कि कल है. तो उन्होंने कॉल दे दिया और पूरे पाकिस्तान से लोगों को कहा कि आप कश्मीर रोड पर पहुंचे 25 मई को दोपहर 3 बजे और मैं आपको वहां पर मिलूंगा. और साथ ही साथ जो है वो कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि फिर वो कश्मीर रोड से जो रेड जोन है, यानी कि पार्लियामेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ मूव करेंगे, जैसा कि 2014 में भी उन्होंने किया था, तकरीबन आज से 8 साल पहले. तो उसके बाद फिर कल रात को ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसके तमाम पार्टनर्स में ये मिल के बैठे एंड देन दे डिसाइडेड के कोई इलेक्शन में नहीं जा रहे हम, और अब हम अगले साल इलेक्शन करवाएंगे और इसको हम इमरान खान को रोकेंगे. तो अभी दिस आफ्टरनून द होम मिनिस्टर राणा सनाउल्ला ही एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अलोंग विद ऑल द कोलिशन पार्टनर्स, जिसमें 8-9 पार्टियों के लीडर उनके साथ राइट लेफ्ट पे बैठे हुए थे, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम इमरान खान को यहाँ पे नहीं आने देंगे क्योंकि वो यहाँ पे हंगामा आ रही है और खून खराबे के लिए आ रहा है. एंड दिस गवर्नमेंट इज टेकिंग द कवर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2019 व्हिच वाज रिटन बाय जस्टिस काजी फायज ईसा, और उस जजमेंट में उन्होंने कहा था कि शॉर्टली मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा था कि आप अपने जो राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी दूसरे के जो राइट्स हैं वो आप छीन नहीं सकते. तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद में और मैं धरना दूंगा और मैं उधर प्रोटेस्ट करूंगा, तो वो सड़कें ब्लॉक कर देंगे और लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी. तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2019 की, वो ये कहती है कि आप इस तरीके से जो बाकी सिटीजन हैं उनके राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते, उसका कवर लेके इन्होंने कहा कि हम आपको रोकेंगे. आज सुबह अर्ली मॉर्निंग लाहौर में एक इमरान खान की पार्टी के जो ऑफिस बेयरर थे उनके घर पे जब पुलिस ने रेड किया तो उन्होंने अपने घर की छत से फायरिंग की और एक पुलिस कांस्टेबल को उन्होंने
कत्ल कर दिया, वो मारा गया, उसकी वजह से काफी एक टेंशन पैदा हो गई है। और ये जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इमरान खान जो है वो उसने अपने वर्कर्स के हाथ में वेपन्स दे दिए और वो लड़ाई मार कुटाई करने, काफी एक टेंशन है। और आई डोंट थिंक कि स्टेबिलिटी इससे आ सकती है। मेरी पर्सनल राय ये है कि इमरान खान 2014 में भी आए थे, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, वो इधर 126 दिन तक इस्लामाबाद में बैठे रहे, वो गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कंटेनर में बैठे थे काफी दिन, मुझे याद है। नहीं, वो रात को चले जाते थे फिर वापस आ जाते थे। तो अभी भी अगर वो इमरान खान आ रहे हैं तो उनको आने दें, मई का महीना है, बहुत गर्मी है, बहुत मौसम जो है वो खराब है, तो उसको इस तरह अगर आप सख्ती से रोकेंगे तो उसको पॉलिटिकल फायदा होगा। तो मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं रोकना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो रोकने का फैसला कर चुकी है तो रोके। आपने वॉशिंगटन पोस्ट में जहां आप कॉलम लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, यू आर अ फेलो कॉलमनिस्ट देयर, आपने कॉलम लिखा इमरान खान इज टेकिंग पाकिस्तान टू द ब्रिंक, बट इफ यू वर टू लुक एट हिम एंड यू नो यू आर एबल टू सी द राइटिंग ऑन द ग्राउंड, इज देयर पॉपुलर सपोर्ट फॉर इमरान खान कि अगर आज चुनाव हो जाता है, इलेक्शंस हो जाती है पाकिस्तान में, तो वो जिस तड़ी से कहते हैं कि भाई दिस विल बी द बिगेस्ट विन एवर, क्या इस बात में सच्चाई है कि ये रेटरिक है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान को जिस तरीके से एक पॉपुलैरिटी मिली है गवर्नमेंट से निकलने के बाद, उसकी बहुत से लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो अपनी पॉपुलैरिटी की इंतहा पे हैं तो ये बात इसलिए गलत है कि मैंने तो इमरान खान का जो पूरा पॉलिटिकल कैरियर है राइट फ्रॉम 1995 टू 2022 बहुत क्लोजली वॉच किया है। उसमें जो उनकी पीक थी ना वो 2013 में थी, जब 2013 का इलेक्शन हुआ था, जिस इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, वो उनकी पीक थी। उस इलेक्शन में भी वो 100 सीटें भी नहीं ले सके और फिर उन्होंने रिगिंग का शोर डाल दिया। तो ये जो 2018 का इलेक्शन था, इसमें तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको सिंपल मेजोरिटी मिलेगी, और उनको मिली भी नहीं, वो तो इधर उधर से लोग इकट्ठे करके उनको इनकी सिंपल मेजोरिटी बनाई गई। और यही जो आज कोलिशन पार्टनर्स आज शहबाज शरीफ के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इन्हीं में से 5-6 पार्टियां थी जो इमरान खान के साथ 2018 में मिल गई और उसकी गवर्नमेंट बन गई, और जब इन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो गई। तो अब अगर इलेक्शन होता है पाकिस्तान में तो उसमें इमरान खान जो है वो ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में उनकी 10 साल से हुकूमत है, यहाँ से उनको काफ़ी सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोविंस है पंजाब, वहाँ पे अभी भी जो मुस्लिम लीग नून है लेड बाय नवाज शरीफ, मुझे लगता है कि वो अभी तक पॉपुलर है, उनकी मेजोरिटी है। सिंध प्रोविंस में पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी होगी, बलूचिस्तान की सीटें बहुत कम है, वहाँ पे एक हमेशा से एक स्प्लिट मैंडेट आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है वो अभी भी अगर इलेक्शन होता है तो वो सिंपल मेजोरिटी लेंगे। इसमें एक अंडरस्टैंड करने की बात है, आप जो इंडिया में लोग बैठे हुए हैं आपको ये समझना चाहिए कि इमरान खान का इस वक्त मुतालबा ये है, वो डिमांड ये कर रहे हैं कि आप फौरन इलेक्शन अनाउंस करें, ठीक है? अगर गवर्नमेंट फौरन इलेक्शन अनाउंस कर देती है और एक डेट दे देती है कि इस डेट को इलेक्शन होगा, तो उनको पता है इसके बाद इमरान का अगला जो डिमांड होगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करो। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान की डिमांड पे अगर चेंज होगा तो फिर जो रूलिंग कोलिशन है वो कहेगी अच्छा फिर कुछ और लोगों को भी चेंज करो, तो एक 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 नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि इमरान खान के सामने सरेंडर करने की बजाय इसका मुकाबला करो। तो अगर इलेक्शन होता भी है आज तो इलेक्शन से ये पाकिस्तान में जो एक पोलिटिकल क्राइसिस है ये खत्म नहीं होगा। Hamid Saab, yeah, the very interesting thing is Imran Khan's recently discovered admiration for Indian foreign policy. Jab wo Wazir-e-Azam the, office mein the, tabhi unhone ye praise shuru kar di ki ye dekhiye India kaise manage kar raha hai, Russia ko bhi manage kar raha hai, Quad ka bhi hissa hai. Aur pichle 24 ghante mein bhi unka isi tarah ka ek tweet aaya that see this is what I wanted to do. Main to apne desh ke liye wahi karna chahta tha jo India ne bhi kar liya. To ye India ke sath ekdam se ye kya pyar, kya mohabbat ho gayi? देखिए इमरान खान इज अ मैन ऑफ बिग कंट्राडिक्शंस, उनकी पर्सनैलिटी में एक कम्बिनेशन है, उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी का जो सबसे बड़ा एक जो मैं समझता हूँ एक स्टिग्मा बन गया है वो उनके यू टर्न्स हैं। देखिए
ये वही इमरान खान है जिन्होंने अगस्त 2019 में जब इंडिया ने 370 को सस्पेंड किया कश्मीर में, तो इमरान खान ने कहा कि ये जो मोदी है ना ये तो आज का हिटलर है, और बीजेपी को कहा कि ये नाजी पार्टी है, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने हर फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर एक गैदरिंग को एड्रेस करना शुरू किया, जिसमें सिर्फ वो मोदी साहब के बारे में बोलते रहते थे। तो 3-4 फ्राइडे किया, उसके बाद भूल गए। अब वही इमरान खान को अचानक जो है वो नजर आया कि जो मोदी की तो फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है, तो वो यू टर्न ऐसा लग लेते हैं कि आप न सिर्फ हैरान हो जाते हैं बल्कि आप परेशान भी हो जाते हैं। हैरानी और परेशानी के बाद फिर आप हंसना भी शुरू कर देते हैं। अब देखिए ना, कल परसों उन्होंने क्या किया कि वो 2 महीने से लगे हुए थे कि फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है, आप राइट और रॉन्ग की जब लड़ाई होती है तो आप उसमें न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, आपको राइट के साथ खड़े होना चाहिए, सच के साथ खड़े होना चाहिए। अब कल अचानक उन्होंने कह दिया कि फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए। पहले वो कह रहे थे कि फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि फौज न्यूट्रल रहे। अब शायद उनको ये पता चला है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है रोकने का, मुझे तो हो सकता है कि आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फौज को भी बुलाया जाए रोकने के लिए, तो अब वो कह रहे हैं तुम न्यूट्रल हो जाओ। तो ये जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को की उन्होंने तारीफ की है बार बार, कल वो CNN को जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया, उसमें ये बात जो है ये इंडियंस के लिए तो एक फख्र का बायस हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे पाकिस्तानी जो है वो जब सुनते हैं कि इमरान खान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बड़ा प्रेज कर रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं ओ ये तो वही इमरान खान है जो कह रहा था कि मोदी तुम तो एक हिटलर हो, तो ये हिटलर अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया। ये कंट्राडिक्शन है खान साहब की, हम उनको एंजॉय कर सकते। लेकिन ये बताइए आपकी, आपने फौज की बात की कि इमरान खान का यू टर्न पाकिस्तान मिलिट्री को लेकर भी किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, वेयर इज द पाकिस्तान मिलिट्री इन ऑल दिस? और मुझे आज तक कोई इतना नहीं समझा पाया कि इमरान खान वॉज कंसिडर्ड, जो इंडिया में परसेप्शन है, द ब्लू आइड बॉय, द ब्लू आइड बॉय ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री, तो फिर इस रिश्ते में क्या बदला और कैसे बदला? हाँ, मुझे याद है बरखा, आपका भी एक कॉलम मुझे याद है काफी, जब इमरान खान आए थे पावर में तो आपने लिखा था कि इमरान खान जो है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, तो इनके साथ इंडिया डील कर सकता है, और हो सकता है कि जब इमरान खान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पे हो तो कोई ना कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे। और इसमें इमरान खान साहब जो है उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हुआ कि जो कुछ इश्यूज थे उस पे इमरान खान की और जो मिलिट्री लीडरशिप की पॉलिसी है वो एक नहीं थी, उसमें गवर्नेंस का इशू बड़ा अहम था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखें, मिलिट्री ये समझती थी कि हम स्टेक होल्डर हैं, इसलिए कि उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी जो कि अब गवर्नमेंट बन गई है, वो कहती थी इमरान खान इज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। वो जो बिलावल साहब अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको सिलेक्टेड कहा कि तुम्हें सिलेक्ट किया गया, तुम्हें इलेक्ट नहीं किया गया। और आर्मी पर इल्जाम लग गया कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें उसने रिगिंग किया है इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। उसकी वजह से मिलिट्री समझती थी कि अब इमरान खान का कामयाब होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम पे इल्जाम लग रहा है कि हम इसको लेके आए हैं। अब खान साहब जो हैं वो गवर्नेंस के इश्यूज पे वो उनकी बात नहीं सुनते थे, उन पर उनको ये प्राइवेटली प्यार मोहब्बत से कहा गया कि आपका जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का वो बड़ी करप्शन कर रहा है, आप ख्याल करें, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस जो है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा, तो आप इसको ठीक कर लें। वो खान साहब सुनते ही नहीं थे। फिर ये हुआ कि उन्होंने जो उनके दौर में जो ISI के हेड थे, तो खान साहब ने उनको कुछ ऐसे टास्क दिए जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख्याल से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल थे, उसमें नहीं जाना चाहिए था उनको, तो लेकिन क्योंकि ISI का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे होता है, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आया जब पिछले साल उनका जब DG ISI का टेन्योर खत्म हुआ और उनकी रूटीन में पोस्टिंग हुई, तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ये पोस्टिंग अभी नहीं करनी और इसको आप रोकें, और उसको डिले करने की कोशिश की, तो वहां से एक प्रॉब्लम हो गया। तो उससे फिर मिलिट्री के अंदर ये एक ख्याल पैदा हुआ कि ये खान साहब जो है इनकी वजह से हमने इतनी बदनामी मोल ली, इनको इतना सपोर्ट किया और हम पे इतने इल्जाम लगे, तो ये अब हमारे अंदर के मामला जो हैं इंटरनल मैटर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उसमें भी ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, अब हम ना इसका साथ दें ना उसका साथ दें।
जैसे वो न्यूट्रल हुए और इन्होंने देखा आसिफ जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कि अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब का काम खत्म कर दिया और वही MQM और वही BAP और वही BNP जो पहले इमरान खान के साथ थी वो टूट के इनके साथ आ गई और उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई। पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं ये पाकिस्तान मिलिट्री की वेपनाइज न्यूट्रलिटी है। दिखने को तो न्यूट्रल लगते हैं लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री की अप्रूवल, कोवर्ट अप्रूवल के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को देखें तो हम कैसे समझें कि नवाज शरीफ के साथ जो फॉल आउट हुआ पाकिस्तान मिलिट्री और नवाज शरीफ का, वो क्या अब पैचअप हो गया है कि दोनों भाई को एक तरह से क्लब नहीं किया जा सकता? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? बरका, ये एक बड़ा ही मुश्किल सवाल आपने मुझे पूछा है और इसका एक ऑनेस्ट जवाब देना जो है वो मैं कोशिश करता हूँ देने की, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाएंगे आपकी वजह से, क्योंकि अच्छा, आपने सवाल कर दिया मुझे ऐसा कि मुझे एडवांस में सॉरी बोल दिया मैंने। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो आज से नहीं, वो पिछले 20 साल से उनके बारे में ये एक इम्प्रेशन है कि ही इज़ वेरी प्रो पाकिस्तान आर्मी एंड ही इज़ द ब्लू आइड बॉय ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और मैं खुद जानता हूँ, इट इज़ इन माय पर्सनल नॉलेज, के 5-6 दफ़ा शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश हुई लेकिन शहबाज शरीफ ने इनकार किया कि मैं अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर कभी भी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 में भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन गया कि शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया था। उसको सिर्फ इतना कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई नवाज शरीफ को डिनाउंस कर दो, उसकी सिर्फ मुखालफत कर दो तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं भाई को धोखा नहीं दूंगा और मैं सब कॉन्टिनेंट में एक औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह की जो स्टोरी है उसको रिपीट नहीं कर सकता। जब शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया तो फिर वो फंस गए, उनके पास फिर अब इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो अब अभी भी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो 2 दफ़ा उनको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया इमरान खान ने, और इमरान खान जो है वो उसके साथ हाथ तक नहीं मिलाना चाहता था क्योंकि इमरान खान को अंदर से पता था कि ये आदमी है मेरे लिए थ्रेट और ये बंदा है जिसको ये 2018 में भी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे और ये नहीं बना, और ये परवेज मुशर्रफ भी जो है वो इससे बड़ी इसको बड़ा पसंद करता था, वो भी इसको बनाना चाहता था प्राइम मिनिस्टर, ये इनकार कर गया। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से सॉफ्ट थी, सॉफ्ट है, ये उसका कमाल है शहबाज शरीफ का कि उसने अपने भाई को भी डिनाउंस नहीं किया, उसको धोखा भी नहीं दिया और फौज को भी नाराज नहीं किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके दरमियान सीज फायर हो गया है लेकिन अभी तक प्रॉपरली सुलह नहीं हुई है, रिप्रोचमा नहीं हुआ है। अलबत्ता शहबाज शरीफ और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान मामला बिल्कुल ठीक है। दिस इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। मरियम नवाज के बारे में अगर आप थोड़ा बात करें, इवन बिफोर शहबाज शरीफ केम इनटू प्रोमिनेंस, मरियम नवाज वॉज रियली होल्डिंग द पार्टी टुगेदर, उनकी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी, रैलीज हो रही थी, और हाल ही में इमरान खान मेड अ वेरी सेक्सिस्ट डेरोगेटरी स्टेटमेंट कि ये तो मेरे से ऑब्सेस्ड है एंड सो ऑन। मरियम नवाज, इज शी द फ्यूचर ऑफ द PMLN और इज शहबाज शरीफ द फ्यूचर? क्योंकि देखिए, जो मिलिट्री को पसंद है उसका ये नहीं मतलब कि कैडर्स को भी वही पसंद है। देखिए, जब मैंने आपको ये कहा कि आखिरकार फौज ने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हैं, यानी कि हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर वो इमरान खान के मामले में न्यूट्रल हो गए तो उनको मरियम नवाज के मामले पे भी न्यूट्रल होना पड़ेगा। और ये नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, बन गए हैं नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो आइंदा भी फिर सिर्फ शहबाज शरीफ ही को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ये फैसला जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है और खास तौर पे नवाज शरीफ साहब है, उनको करना है फैसला। अभी भी अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है तो ठीक है, उसकी वजह यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, बट उसकी मेन वजह यह है कि नवाज शरीफ ने उनको अप्रूव किया है, उन्होंने अप्रूव किया है तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, अदरवाइज वो नहीं बन सकते।
तो यही जो है मामला, ये मरियम नवाज के मामले पे फिट होता है कि अगर नवाज शरीफ चाहेंगे तो फिर मरियम नवाज ही पीएमएलएन का फ्यूचर है, और उनके मामले पे भी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये लगेगा कि आप सिर्फ चचा जान के मामले पे न्यूट्रल हो गए, लेकिन मामला जब भतीजी का आया तो फिर आप दोबारा पार्टी बन गए। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान आर्मी की जो ये नई पॉलिसी है कि पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना, ये पॉलिसी कायम रहेगी, और अगर ये पॉलिसी कायम रही तो यकीनन मरियम नवाज शरीफ का फ्यूचर ब्राइट है। एक आखिरी सवाल फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, नवाज शरीफ एटलीस्ट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड समबडी हु वांटेड टू इंप्रूव रिलेशंस विद इंडिया। ये भी माना जाता है कि वो भी एक कारण था उनका और मिलिट्री के फॉलोआउट का वजह था। टुडे विद द रिटर्न ऑफ द शरीफ्स, इवन दो इट्स वन ब्रदर हु इज द प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि एक नई एनर्जी आ सकती है इंडिया पाकिस्तान की? अभी पाकिस्तान इज सो कंज्यूम्ड बाय इट्स डोमेस्टिक टर्मोइल एंड ग्लोबल टर्मोइल भी है आसपास, यूक्रेन है, अफगानिस्तान है, कि अभी इसी तरह कोल्ड स्टोरेज में हमारे रिश्ते रहेंगे? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, इमरान खान बन जाएं, शहबाज शरीफ बन जाएं, कोई भी बन जाए, अगर पाकिस्तान में कोई पॉपुलर पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी तो जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता तो उसके लिए इंडिया के साथ दोस्ती करना और नॉर्मल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना ये बड़ा मुश्किल होगा। और मुझे पता है कि इंडिया में भी यही सूरत हाल है, वहां पर भी आपका कश्मीर में मुदाखलत करता है, पाकिस्तान का ख्याल है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, तो ये मामला है। इसमें अब आप देखेंगे जो हमारे नए फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी जो मदर थी बेनजीर भुट्टो, उन्होंने भी तो 1989 में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी राजीव गांधी के साथ, और राजीव गांधी साहब जो है वो यहाँ इस्लामाबाद आए भी थे, एक उन्होंने कोशिश की, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की। तो जब भी हमारे किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की तो बीच में आ गया कश्मीर। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ था तो आपको भी पता है बहुत से इश्यूज का कि परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के दरमियान कुछ मामलात हुए थे, एक फार्मूला था जो दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन मशहूर हुआ वो मुशर्रफ फार्मूले के तौर पर। तो इसको कोशिश की गई है, इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसके दौर में कोशिश की गई है कि इसको कोई थोड़ा सा इसमें चेंज करके इसी फार्मूले की बुनियाद पर इंडिया के साथ को दोस्ती करने की कोशिश की जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का जो रिस्पांस था वो इतना पॉजिटिव नहीं था। तो ये एक ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि अब वो भी जो है थोड़ा टाइम लेंगे इस पर। तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल मुझे कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा। जो आज का लेटेस्ट आज का जो स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी का यासिन मलिक साहब के बारे में, तो उससे ये लगता है कि यासिन मलिक साहब को अगर कोई सजा वगैरह दे दी जाती है या उनके बारे में कोई सख्त फैसला आता है तो उससे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप मजीद जो है वो उसमें डिटेरियोरेशन होगी। और ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अच्छे नहीं होंगे। आपको तो मालूम है कि इंडिया में इसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही ऑपोजिट है। यासीन मलिक हैज बीन कन्विक्टेड, बहुत से लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं हुआ, उनके साथ ये सॉफ्ट हैंडलिंग क्यों हुई? प्राइम मिनिस्टर मोदी की कश्मीर पॉलिसी के लिए बहुत लार्ज अक्रॉस पार्टी सपोर्ट है। सो एंड ऑफ कोर्स जिसको आप सिविल राइट्स कहते हैं इंडिया में, टेररिज्म आप कश्मीर कहते हैं, यहाँ पे हम लोग टेररिज्म कहते हैं, तो वही आपकी बात सुन के लगता है कि वो जीरो सम गेम अभी वही कि वही है। बट इन द मीन टाइम वी कंटिन्यू टू लुक एट पाकिस्तान विद डीप इंटरेस्ट, और आज बहुत कुछ सीखने को मिला हामिद साहब। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई होप टू हैव यू बैक अगेन एंड अगेन विद अस जब आपको फुर्सत मिले आपके काम से। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalists.